बर्फबारी और ओला गिरने के कारण राहत प्रकरण में विलंब, 1200 ग्रामीण बेघर, कई जीव जंतु की मृत्यु, मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने की अपील, संबंधित अधिकारी बेखबर। छत्तीसगढ़ के जिला जशपुर ग्राम लुड़ेगांव कछार थाना पथलगांव तहसील, तारीख 23 अप्रैल को सुबह 11 बजे आधा घंटा बर्फबारी गिरा, जिसमें लुड़ेगांव व कछार के 1200 घर क्षतिग्रस्त हो गए, जिसको शासन द्वारा राहत प्रकरण नहीं बनाया गया। ग्रामीण परेशान हैं और उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग, ताकि बरसात से पहले ग्रामीण राहत की सांस ले सके। ग्रामीणों ने कहा कि घर के अलावा जीव जंतु भी मरे हैं, जिसको शासन व संबंधित विभाग छुपा रहे हैं। हमारे संवाददाता दयाशंकर तिवारी की विशेष रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कोरोना जैसे महामारी से अभी जूझ ही रहा है, तब तक छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला पत्थलगांव में थाना पत्थलगांव तहसील पत्थलगांव ग्राम लुड़ेगांव और कछार में तारीख 23/4 को प्राकृतिक द्वारा बर्फबारी हुआ, ओला गिरा, जिसमें 1200 गांव 1200 घर प्रभावित हुए, अनेक जीव जंतु मर गए। अभी तक राहत प्रकरण के चक्कर में कोई शासन द्वारा कोई राहत प्रकरण नहीं किया जा रहा है, और जो निजी संस्था है अग्रवाल समाज एनजीओ के द्वारा त्रिपाल और पन्नी वाला गांव है, तो ये बहुत शर्मनाक की बात है। ग्रामीणों से, वहां के एसडीएम से और तहसीलदार से चर्चा किया गया, फोन के द्वारा चर्चा किया गया, उन्होंने अलग अलग बयान दिया। तहसीलदार ने कहा कि मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूँगा। एसडीएम ने कहा कि राहत प्रकरण जोरों पर है, जनप्रतिनिधि शासन अमला पूरा काम में लगा हुआ है, जबकि वैसा ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ कुछ नहीं है। वहाँ के ग्रामीण डिक्टर तिर्की से जब बात किया गया तो उन्होंने कहा कि ग्रामीण से 1200 घर आहत हुए हैं बर्फबारी से, कोई राहत प्रकरण नहीं हो रहा है शासन के द्वारा, अग्रवाल सभा के द्वारा केवल पन्नी और त्रिपाल बांटा जा रहा है, जबकि वहाँ सीट और अल्वेस्टर की जरूरत है, सामने बरसात है और बरसात आने के बाद ये राहत प्रकरण बंद हो जाएगा। वहाँ के सांसद और विधायक भी केवल दौरा करते हैं, दौरा करके केवल आश्वासन देते हैं, और आश्वासन देने से काम नहीं चलेगा। ग्रामीणों में आक्रोश है और हमारे द्वारा फोन से और वहाँ के जनप्रतिनिधि से चर्चा करके एक रिपोर्ट तैयार किया गया, जिसका कुछ अंश आपके सामने है, उसको देखें। और ग्रामीणों ने अपील, मुख्यमंत्री से अपील किया कि मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, वो हस्तक्षेप करें और एक टीम बनाकर पत्थल गांव में जहां ओला और बर्फबारी हुआ वहां भेजे, और भेजने के बाद वहां से रिपोर्ट तैयार कर तुरंत राहत का काम करवाएं, ताकि 1200 जो ग्रामीण है उनको राहत मिल सके। आगे देखिए एक रिपोर्ट। संवाददाता दयाशंकर तिवारी ने फोन पर ग्रामीण विक्टर तिर्की से बात की। ग्रामीण विक्टर तिर्की से बातचीत करने पर बताया गया कि प्रकृति के द्वारा इतना बड़ा घटना हो गया। जशपुर जिले से निर्वाचित जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद सुस्त हैं, सरकारी अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार स्वयं नहीं जा रहे हैं, कर्मचारियों को भेज रहे हैं। 250 रुपए का प्लास्टिक एवं त्रिपाल अपने बचाव के लिए 800 रुपए में खरीद रहे हैं। जिला प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सोया है, सामने बरसात है, मुख्यमंत्री हस्तक्षेप शीघ्र करें, त्रिपाल से काम नहीं चलेगा, अल्वेस्टर की व्यवस्था करें ताकि स्थायी समाधान हो, साथ में ग्रामीण के स्वास्थ्य की भी चिंता करें। लुड़े गांव और कछार, आपका गांव वही है ना? ओ, थाना पत्थल का, तो वहां का जो एसडीएम और तहसीलदार हैं आपके, राजपूत हैं एसडीएम साहब और तहसीलदार हैं मैं शर्मा जी, तो इन लोगों का एक राहत कार्य जारी है, जनप्रतिनिधि और क्या बोलते हैं शासन अमला लगा हुआ है, पन्नी और त्रिपाल बट रहा है, 80% कम से कम घर जो है क्षतिग्रस्त है, वो तो खपड़ा का है वहाँ पे लुड़े गांव में, और इसमें कछार में 508 घर क्षतिग्रस्त है,
तो आप तो वहाँ के हैं, तो आप मतलब आप क्या बोलेंगे बताइए। जैसे आपका स्टेटमेंट अपर लगाते हैं तो आप क्या बोलेंगे, वहाँ कार धीमी गति से है। न्यूज़पेपर, मीडिया और न्यूज़पेपर में तो आया नहीं किसी में। वो सब छोड़िए ना, आया चाहे नहीं बोलेंगे, आप तो वही उसी गांव के हैं ना। हाँ उसी गांव का हूँ, पूरा के पूरा क्षति हो गया है। अच्छा, उसमें 80% या क्या रहने लायक ही नहीं घर किसी का। तो जो शासन अमला है उस वो जो जैसे काम कर रहा है धीमी गति से, उसको उसके बारे में क्या कहेंगे आप। अरे तो खपरा कहाँ से देगा, खपरा जो चाहते हैं ना, खपरा कहाँ से मिलेगा अभी। अच्छा, और धनमाल की उन लोगों का कहना है कि नहीं कोई किसी की जान नहीं गई है, खाली खपड़ा वो टूटा है, घरों का ये मंदी हुआ है, तो उसको शासन युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। जबकि ग्रामीण लोग भी कहते हैं, पटवारी भी कह रहा है कि हम प्रकरण बना के भेजेंगे तब पूरा होगा, और 4 दिन हो गया। तो सीधा साधा ये है ना कि भाई शासन अमला सुस्त है, वहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधि वो भी सुस्त है। हाँ वहाँ का सांसद जो है हमारे गोमती साहब वगैरह वो सब सुस्त है। विधायक राम राम पुकार सिंह की क्या नाम है, क्या है? हाँ वही है, पुकार राम पुकार सिंह एकदम सुस्त है। वो भी कांग्रेस तुम्हारा कांग्रेस का ही सुस्त है। प्रधान ये मुख्यमंत्री का भी इतना बड़ा वो हो गया, फिर भी उसको पता ही नहीं, स्टेटमेंट दे ही नहीं रहे, दिया ही नहीं कभी, वहाँ क्षति हो गया करके। और मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए, टीम बिल्कुल बना करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। कोरोना के चक्कर में कहाँ, कोटा से छात्र कोटा से ला रहे हैं तो यहाँ से ला रहे हैं, इसको बर दे रहा है पूरा जसपुर जिले, जसपुर जो पत्थलगांव ब्लॉक जो है, पूरा पत्थलगांव ब्लॉक लुड़ेक ब्लॉक पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। पूरा लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, रहने के लिए वो नहीं है। और जितने जो पटवारी और तहसीलदार SDM ये लोग जो बोल रहे हैं बेवकूफ बना रहे हैं, कब मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा, बरसात पहुंच जाएगा, अभी गर्मी पहुंच जाएगा, रहेंगे कहाँ रहेंगे। और ये भी बता रहा हूँ, व्यापारी जो वहाँ के लोग हैं, जहाँ दो तिरपाल जो मिलता है 250 का, उसको 800 रुपया में बेच रहे हैं। अरे बाप रे, समझ, साधारण से तिरपाल जो है, ये तिरपाल प्लास्टिक को 250 रुपया का है, उसको 800 रुपया में बेच रहे हैं। 250 का तिरपाल 800 में, 800 रुपया में बेच रहे हैं। तो वहाँ के ग्रामीण मतलब खरीद रहे हैं। अब ढाकना है उनको, पानी भी गिर रहा है, पानी कल तो पानी भी गिर रहा था। मतलब कोई जनप्रतिनिधि जो भी है वहाँ पे, विधायक जो भी है, सुस्त है, सुस्त है। और इसमें CM मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप होना जरूरी है। बिल्कुल हस्तक्षेप होना चाहिए, तभी वो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और इसमें क्या है, राहत काम में कमीशन खोरी भी होता है तहसील स्तर पर, जो इसका पहुंच होगा उसको काम होगा, जिसका नहीं होगा उसका नहीं होगा, ऐसा है ना। इसका जिसका जो जो जाएगा उसके यहाँ, उसको तिरपाल हो सकता है मिल जाएगा, नहीं तो किसी को मिलेगा ही नहीं, अपने अपने से खरीद के कर रहे हैं शासन द्वारा। कल तक तो वितरण ही नहीं हुआ था। जसपुर जिला तहसील पत्थल गांव से हमारे संवाददाता दया शंकर तिवारी ने बातचीत की। तो SDM ने कहा है बर्फबारी और ओले गिरे हैं, पूरा शासन अमला राहत कार्य में लगा है, प्लास्टिक व त्रिपाल दिया जा रहा है, जीव जंतुओं की जान नहीं गई है, केवल घर टूटा है जबकि स्थिति दूसरी है। सर मैं फ्री हैं क्या जी, बताए ना। DNX TV चैनल से मैं बोल रहा था, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपके तहसील क्षेत्र में जो 23 तारीख को जो बर्फबारी हुआ है, जिसमें दो गांव में 80% क्षति पहुंचा है, तो उसमें राहत कार्य किस टाइप का चल रहा है? उसमें राजस्व अमला भिड़े हुए हैं, सभी लोग अभी कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, और ग्राम पंचायत के द्वारा भी हमारे जो है तालपत्री वगैरह वो सब बांट रहे हैं उसमें। अच्छा, उसमें जैसे भिड़े हुए हैं सभी, किसी मतलब जान माल का क्षति थोड़ा नहीं हुआ है ना, राहत कार्य जारी है? हाँ नहीं, पूरी पूरी व्यवस्था है, पूरी अमला टीम जारी है, सभी सर्वे कर रहे हैं, तहसीलदार है, RI पटवारी, सचिव, सब भिड़े हुए हैं, जनप्रतिनिधिगण सब भिड़े हुए हैं। हाँ नहीं, सब लगे हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक, ओके, धन्यवाद, ओके। पत्थलगांव से जब हमारे संवाददाता दयाशंकर तिवारी द्वारा बात की गई तो तहसीलदार शर्मा ने बताया कि मैं अभी रास्ते में हूँ, बाद में बात करूँगा। हेलो, हाँ शर्मा सर, नमस्कार। नमस्कार भैया,
मैं डीएनएक्स टीवी रायपुर से बोल रहा था, एक तो जानकारी चाहिए था। हाँ? तो जानकारी चाहिए था, 23 तारीख को 11:30 बजे आपके जसपुर जिला में लुड़ेंग गांव और कछार में जो बर्फबारी हुआ था उसमें करीब 80% घर को। मैं जरा रास्ते में हूँ, आपका आवाज कट रहा है भाई, है ना? जी जी। तो हमारे संवाददाता दयाशंकर तिवारी द्वारा जब पथल गांव के पटवारी प्रशांत एक्का से बातचीत की गई तो पटवारी ने कहा दो गांव मिलाकर 1200 घर ओला से प्रभावित है। हमारे द्वारा प्रकरण शीघ्र बनाया जा रहा है, प्रकरण बनाने के बाद शासन के तरफ से राशि दी जाएगी। अभी अग्रवाल सभा द्वारा पन्नी वितरण किया जा रहा है, जब प्रकरण एसडीएम के पास प्रस्तुत होगा उसके बाद राशि दिया जाएगा। का कहना है कि भाई रात काम चल रहा है और जल शासन के अधिकारी लगे हुए। हाँ, तो यहाँ पे अभी प्लास्टिक वितरण किया जा रहा है अग्रवाल समाज के द्वारा। अच्छा, तो अग्रवाल समाज के द्वारा प्लास्टिक वितरण किया जा रहा है, तो मान लो आप राहत प्रकरण अभी तक नहीं बना है? बन रहा है सर, सर्वे तो कर रहे हैं। आपका यहाँ पे 600 से 700 परिवार है लुड़ेंग में। अच्छा। अभी तक अपना जो हुआ है आपका 3 से 400 हुआ है लुड़े गाँव ना? जी। और आप लुड़े गांव और कछार आप ही के अंदर में है ना? हाँ, मेरे अंदर में। तो अभी तक आप एक ही पटवारी हैं? हाँ, तो एक ही पटवारी में रहते हैं। तो आप कितना दिन लगाएंगे? मान लो सामने बरसात है। हेलो, हो जाएगा बोल रहे हैं? कई दिन में हो जाएगा सर्वे? तो अभी अग्रवाल समाज के द्वारा मान लीजिए आप बता रहे हैं कि पन्नी बांटा जा रहा है, और शासन के तरफ से क्या बांटा जा रहा है? हेलो, शासन के तरफ से क्या बांटा जा रहा है? तहसीलदार एसडीएम के तरफ से क्या बांटा जा रहा है? तो अभी तो वही जो अपना जो उनका जो मुआवजा रहता है उसको दिया जाता है जब तक हम सर्वे नहीं करेंगे। अच्छा, आप रिपोर्ट देंगे? रिपोर्ट जाएगा फिर वो लोग क्या देंगे? आपका राशि देते हैं सर, जो भी उनके मैंने कि राजस्व के हिसाब से जो भी बनता है वो हिसाब से। तो उसमें कितना समय लगेगा लगभग? तो मैं तो कुछ आधा दिन जो रिपोर्ट बना करके, है ना सर? अच्छा, अभी मान लो सामने बरसात है, तो बरसात है और सब खपड़ा का घर है, तो बरसात में पन्नी अगर अग्रवाल समाज दे रहा है तो कितना दिन टिकेगा? आप राहत प्रकरण जल्दी बना के पुट अप कीजिए ताकि ताकि ग्रामीणों को जल्दी फायदा मिले। ठीक है? हाँ, बिल्कुल कीजिए, क्योंकि ये वाला मामला है, मतलब परेशानी वाला मामला है। ठीक है? ओके ओके। इससे साफ जाहिर होता है कि शासन और नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि बेखबर है। इसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को तत्काल हस्तक्षेप कर राहत कार्य करवाना चाहिए। जो जीव जंतु मरे हैं उससे संबंधित अधिकारी पर कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए।